तो दोस्तों आज जा रहे हैं, यस सुनाई दिया, रिंकू मार्बल बीच। या ये जापानीज में है बाय द वे। इसका नाम है रिंकू मार्बल बीच। यस बिहारी ऐसा नाम लगा रखा है रिंकू मार्बल बीच है ना, थोड़ा बहुत बिहारी लग रहा है। ये है ईवी चार्ज स्टेशन के जस्ट 7-Eleven के बगल में। वैसे काफ़ी 7-Eleven में मैंने देखे ये ईवी चार्जिंग स्टेशन, मतलब हर नहीं तो यहाँ पे, मतलब आप आपका टेस्ला वेस्ला वगैरह चार्ज कर सकते हो। 20 मिनट लगेंगे भैया एक बार चार्ज करने। ओ ये एयरपोर्ट 2007 में फुली ऑपरेशनल हुआ। उसके पहले जो इतामी एयरपोर्ट है जो ओसाका सिटी में, वो हैंडल करता था। वहाँ पे मतलब कोई एक्सपेंशन का स्पेस नहीं है सिटी सेंटर में होने की वजह से, तो ये दूसरा एयरपोर्ट इन्होंने मतलब इन्हें कहीं जगह नहीं मिला तो उन्होंने समंदर में बनाया। और वो एयरपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने मतलब लिटरली 2 पहाड़ फ्लैट किए जब ये ऑपरेशनल हुआ। और तब इट वॉज एस्टिमेटेड कि 50 सेंटीमीटर इट वॉज लाइक सिंकिंग, ज़मीन में घिसक रहा था। एंड अभी भी वो सिंक चालू है, अराउंड 7-8 सेंटीमीटर सिंक हो रहा है, विच इज़ अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। और ऐसा अनुमान है कि मे बी आने वाले 40-50 ईयर्स में ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो सी लेवल तक दब जाएगा। तो उसके लिए अभी काफ़ी इंजीनियरिंग वर्क चालू है, उसको फिर से रिस्टोर कर रहे हैं, मतलब जितना हो सके उतना, मतलब एवरी ईयर दे आर ट्राइंग टू फिल अप एंड थोड़ा मेंटेन रखने का कोशिश कर रहे हैं। या ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट किस्सा मैंने सुना इस एयरपोर्ट के बारे में, अदरवाइज इट्स मार्वेलस। मैं अब तो गया नहीं इस एयरपोर्ट पर, बट लुकिंग फॉरवर्ड लाइक डायरेक्शन भी टेक किया जाएगा। हे ब्रो, व्हाट्स अप, क्या हाल है जनाब? 4 साल से है जापान में, थोड़ा उन्हीं से हम सुन लेते। आपका नाम? मेरा नाम दिलीप है, दिल्ली से हूँ मैं। जापान में 4 साल हो गए, एज ए जापानीज पढ़ने आ रहा हूँ जापान 1 साल पहले। N1 है मेरा, यानी नेटिव जापानीज लेवल। अभी और इम्प्रूव करना है वैसे, N1 से N1 है, सर्टिफिकेट है। काफ़ी मॉडेस्ट इंसान है। और बताओ कैसा रहा भाई आपका एक्सपीरियंस जापान में? अभी 4 साल हो गए, मतलब क्या सोचे, आप यहीं पे रहना चाहते हो या फिर से जाना चाहते हो, मतलब या कोई दूसरे कंट्री या इंडिया जाना चाहते हो, ऐसा कोई सोच है आपका, या बस खुश खुश हो जापान से? दिल लग रहा है, दिल थोड़ा सा लोनली फील होता है, थोड़ा सा है यहाँ पे। क्या होता है, अगले 20 साल तक रहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा कमाई वमाई करके फिर सोच रहा हूँ कि शायद इंडिया जाऊँ। फिक्स नहीं है। आई सी। एंड फिर अभी फिलहाल तो जॉब कर रहे हो, राइट? फिलहाल जॉब है। तो फिर आपका जॉब कैसा, मतलब वो इंग्लिश जॉब है या प्योर जापानीज है? प्योर जापानीज। प्योर जापानीज, मतलब एंड कैसा, इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मेहनती है, आप क्या कहना चाहते हो, मतलब वर्किंग इन जापान कैसा है, मतलब कैसा है लाइफ वर्किंग इन जापान? वर्किंग इन जापान एक बार में अगर कहो, यहाँ पे क्या होते हैं, मिलिट्री मिलिट्री जैसा माइंडसेट के साथ काम करना पड़ता है।
क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है काम करते समय तो, बहुत मतलब वो है, पर उस काम एक बार अगर आप अपना शिफ्ट खत्म कर लो, 8-9 घंटे का काम करते, उसके बाद तुम अपनी लाइफ है। आई गेस वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर पे लिखा रहेगा कि आपका वर्किंग आवर होगा 9 बजे से 6 बजे या 8:30 बजे से 5:30 बजे डॉट उतना ही होगा, अगर उसके बाद ऊपर अगर आप काम भी कर रहे हो इट विल बी काउंटेड एज ओवर टाइम और आपको ओवर टाइम पे मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप घर पे भी जाओ, अगर आप कोई आपका मैनेजर कॉल भी करता है और फिर अगर आप उसके साथ डिस्कशन पे लग जाते हो आधे घंटे के लिए, तो वो आधा घंटा भी आपका मतलब इट विल बी इंक्लूडेड एज एन ओवर टाइम एंड यू विल बी पेड फॉर दैट। सो इसकी वजह से ऐसा ज़्यादा नहीं होता कि आप घर पे गए और फिर भी आप कुछ काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, जितना टाइम एलोकेटेड है उतने में उस टाइम में ही आपको काम करना है, लेकिन कैसा काम करना है बहुत पूरा जान लगा के घंबारो मतलब क्या है, मतलब एक्सप्लेन करने जाए तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जितना मतलब सीखने के लिए अच्छा है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है ये। या और यू कांट बी लेट ऑफिस को, पंचुअल होना बहुत जरूरी है। या टाइम मतलब 9 बजे से अगर ऑफिस चालू हो रहा है तो 8:30 को आपको कदम रखना ही पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आजू बाजू में थोड़ा साफ सफाई करो अपने जगह के, पूरा सेट होकर बैठना, जैसे ही 9 बजे का घंटी बजेगा गेट बैक टू वर्क, नॉट गेट बैक टू वर्क, गेट टू वर्क। और अर्ली मॉर्निंग जैसे कि ये भी होता है कंपनी का जो असेंबली काइंड ऑफ चीज़ होता है, जहाँ पे सब खड़े होके कंपनी के मतलब पढ़ते हैं, आपकी कंपनी में सारी कंपनी खड़े होके कंपनी का जैसे कि या दिल और जान लगा के काम करूँगा, मैं किसी को छुट्टियाँ नहीं बनाऊंगा, 100% ऑनेस्टी के साथ काम करूंगा। या ये हर दिन सुबह सुबह पढ़ना होता है, मन से पढ़ने होते हैं आपको क्या पसंद है इस कंपनी के बारे में, क्या सोचते हो कंपनी के बारे में, क्या करना चाहते हो कंपनी को, आप कंपनी को कैसे मतलब आगे और ऊंचाई तक कैसे लेके जा सकते हो, कुछ अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो आपको उस दौरान बताना। वैसे हर कंपनी में थोड़ा अलग है, पर हर जगह पे सेम कॉन्सेप्ट है, और असेंबली बोलते हैं, मॉर्निंग असेंबली होती है। मेरी कंपनी में तो मतलब ये मंत्र पढ़ने के बाद तुम्हें ये हर किसी को बताना होता है कि मैं कंपनी के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं आगे क्या क्या आज अगर मैं काम करूँगा क्या मैं सोच के अपने मन में क्या काम करूँगा, ये बहुत बड़ी बकचोदी है मतलब हर कंपनी में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, मेरा कंपनी थोड़ा मतलब है कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। हाँ, और मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करते, मैं थोड़ा फॉरेन आदमी हूँ क्योंकि मैं जापानीज नहीं जानता तो मेरे को इतना तंग नहीं करते, बट देन हाँ ये तो मतलब जापानीज आदमी है, नेटिव आदमी है ये, तो इसको नेटिव की तरह ही ट्रीट करते एक अलग अनोखा एक्सपीरियंस है कि नहीं, मतलब इससे काइंड ऑफ एक जैसा हम खुद मतलब एक सेल्फ डिसिप्लिन हो के एंड इन अ लॉन्ग रन इट माइट हेल्प। वैसे ये एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स कि हम कैसे लेते हैं उसे, आर यू एंजॉइंग द एक्सपीरियंस। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं तो खुश हूँ भाई जिधर हूँ जो हूँ। वैसे जैसे अगर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बोलने में कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा, ये वो मतलब बोलने ऑकवर्ड लगता है ना भाई, पर शायद किसी को ना लगे ऐसा बोलने में तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। भाई साहब थोड़ा लेट के फोटो वोटो ले रहे, लोग पूछते हैं उनसे कुछ, नहीं वो मैं बताऊंगा, एक्चुअली हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं, एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग की, बस डिफरेंस ये था कि ये कंप्यूटर साइंस का बंदा था और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, बाजू बाजू में था डिपार्टमेंट, और एक ही मेस में खाना खाते थे, एक ही लेआउट में रहते थे लेकिन बात नहीं करते थे, सिर्फ स्पेशली जानते थे, और ऐसा हुआ कि हम दोनों का प्लेसमेंट भी एक ही कंपनी में हुआ इंडिया में, उसके बाद में फिर से प्लेसमेंट से ये जापानीज कंपनी के लिए कॉल आया तो उधर भी साथ में जॉब हुआ, एंड हम साथ में आए टोक्यो और साथ में रहते थे टोक्यो में इनिशियली प्रोजेक्ट मिलने से पहले। इनिशियली साथ में रहते थे, फिर बाद में
मेरा जब जब जापान टूर स्टार्ट हुआ ये टोक्यो में थे बहुत लंबे टाइम के, और अब ओसाका शिफ्ट हुआ। एंड क्या बोलते हो ब्रो, कैसा है जिंदगी, कैसा है हाउस लाइफ? तो अभी सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है। मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर मैं टोक्यो में था, अभी मैं आया हूँ ओसाका में। पैंडेमिक कोविड के कारण ज़्यादा घूम नहीं पाए ओसाका, अभी थोड़ा इमरजेंसी वगैरह ख़त्म हुआ है तो हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लोर करना या अभी से एक्सप्लोर करेंगे जितना हो सके। कैसा लग रहा है भाई ओसाका टोक्यो, इज़ इट सेम और इज़ इट डिफरेंट? थोड़ा तो डिफरेंस है, मुझे तो काफ़ी डिफरेंस लगा। हाँ तुम क्या कहते हो? मैंने तो अभी एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं किया है ओसाका, बट अभी तक तो एक्सपीरियंस काफ़ी है। बट कल्चरल डिफरेंस है, जैसे कि डायलेक्ट अलग है, पर ओसाका में कांसाई बेन करके भाषा यूज़ की जाती है, मतलब जापनीज ही होती है बट देन थोड़े बहुत वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। और टोक्यो में जो है वो एकदम मतलब टेक्स्ट बुक लैंग्वेज होता है, जैसे टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है वैसे ही बात करते हैं। और टोक्यो वाले थोड़े शाय है कंपेयर टू ओसाका वाले, मतलब बहुत आउटगोइंग है यार, कंपैरेटिवली दे आर ओपन एंड आउटगोइंग। मतलब यहाँ पे आप ट्रेन पे वगैरह लोगों को थोड़ा बहुत बात करते हुए थोड़ा चिल दिखेंगे, बात करेंगे, हंसेंगे, स्माइल करेंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, थोड़ा जोर जोर से बात करेंगे, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और थोड़े बहुत फूड का भी डिफरेंस है यहाँ पे, वो जैसे कि ताकोयाकी और बहुत सारे फूड है जो स्पेशली इस कांसाई एरिया में मिलता है, राइट? पर्सनली मुझे तो यहाँ का जापान का फूड उतना पसंद नहीं है, इसे मैं खुद ही बनाना प्रेफर करता हूँ। ये बहुत बढ़िया शब्द यार, एक्चुअली जब हम आए मैं तो कुछ नहीं जानता था कुक करना, इन्होंने मतलब इसमें बहुत मदद किया, मतलब कुकिंग करना सीखा। ओके ब्रो, मुझे एक सवाल है, जब तू आया था इधर कितना टाइम तक यहाँ पे काम करने का सोचा था? इनफैक्ट हमने डिस्कस भी किया रहेगा बहुत, तो कभी सोचा था 2 साल तक टिक जाएगा? पहले तो इंडिया में जब था तो सोचा था कि एटलीस्ट 4-5 ईयर्स तक करेंगे, बट यहाँ पे आया तो स्टार्टिंग में थोड़ा नई जगह जाने पे तो कल्चरल डिफरेंस था, उतना लगा नहीं कि यहाँ ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, बस एडजस्ट हो जाते हैं। नहीं, ऑफिस कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट बिल्कुल ही अलग है, अलग है वहाँ से, थोड़ा टाइम ज़्यादा मतलब इनिशियली। मैं बोलूँ तो मेरे को एडजस्ट होने के लिए कम से कम 1 साल तो लगा यार, सच में 1 साल के बाद आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, और अब तो लाइक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ है कि नहीं, अब तो मैं ये ज़्यादा प्रीफर करूँगा। बट अभी की जो क्लाइंट मेरी है वहाँ पे तो कैजुअल में जा सकते हैं, थोड़ा चिल्ड है, थोड़ा चिल लाइफ है यहाँ पर। राइट राइट राइट, बढ़िया है। तो सो क्यूट, बोसा बोसा है, नाइस, अरेगा तो बजाय माँ। Like, subscribe, Eating Japan!